वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और अभी हो रहा है दोपहर का 3। और सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक और हैप्पी अक्षय तृतीया। तो आज एक ही साथ दो दो त्यौहार हैं, और जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, आप सभी लोगों को फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अभी मेरा मन कर रहा है ना कहीं बाहर घूमने जाने का, अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। तो मुझे कुछ लेना भी था बाहर जाके और कुछ काम भी करवाना था। तो चलिए अभी देखती हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। जाऊँगी तो भी आपको दिखाऊँगी, नहीं जाऊँगी तो भी आपसे मिलूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी टेलर के यहाँ। टेलर के यहाँ से होने के बाद मैं जाऊंगी फ़ोटो स्टूडियो, और उसके बाद मैं जाऊंगी ज्वेलरी शॉप, और जो भी लूंगी बाद में आपको बताऊंगी। बटाटा पूरी माही हमेशा की तरह अपना फेवरेट स्ट्रीट फूड, माही को स्ट्रीट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मौका कभी नहीं छोड़ती है माही। कैसा लगा बताओ बटाटा पूरी? टेस्टी है ना। हमेशा की तरह टुकड़ों में सिर्फ 1 बाइट, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लो, काफ़ी है। तो माही का हो गया है बटाटा पूरी खाना, और अभी माही खाने वाली है। तो अभी हम लोग घूमने आना चाहिए, हम लोग हमेशा घर में बंद रहते हैं। लेकिन आज मुझे पक्का आना था क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था जो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। तो अभी हम लोग, और सबको ईद मुबारक। माही का गर्मा गर्म मोमोज, फ्राइड मोमोज खाना था, वेज फ्राइड मोमोज और कोल्ड कॉफी, साथ में कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए आज मम्मा बेटा एंजॉय करते हैं, बहुत दिनों के बाद माँ और बेटी एक साथ। तो आप लोग भी आ जाओ। कैसा लग रहा है बेटा बहुत दिनों के बाद मम्मा के साथ बाहर आके बताओ? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। अभी मैं मोमोज खाऊँ। गाइस ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत प्राइवेसी मिल रही है। गाइस तो फाइनली आ चुकी हूँ मैं घर, और अभी ड्रेस वगैरह हमने चेंज कर लिया है, और माही अभी जस्ट जैसे ही हम लोग घर पहुँचे माही की ट्यूशन टीचर भी आ गई है। तो फाइनली मेरा अक्षय तृतीया का शॉपिंग हो गया है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा मैंने लिया है। और ये आप लोग देख सकते हो, तो ये इयररिंग मैंने लिया है, गोल्ड का है ये। कैसा लग रहा है मुझे बताना? और मुझे पता है मैं घर में क्यों नहीं पहनती हूँ ज्वेलरी वगैरह, मैं घर में इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि जो तिल वाले जो टॉप्स जो होते हैं जिसको लगाना पड़ता है तिल के साथ,
तो मुझे वो एकदम एडजस्ट नहीं होता है मुझसे और मेरे कान भी पक जाते हैं, इसलिए मैं वो उस टाइप का इयररिंग्स पहनना बिल्कुल ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ। हाँ, जब कहीं पार्टी वगैरह में जा रही हूँ, कोई त्यौहार है तो पहन लेती हूँ, लेकिन घर में मुझे उस टाइप के इयररिंग्स पहनना नहीं पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया। ये अभी न्यू डिज़ाइन आया है, बहुत ही न्यू कलेक्शन है ये और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बस इधर से घुसाओ और डाल लो और इसके अंदर कोई तिल वगैरह नहीं है, बस ये फंस जाता है ईयर में जाके। और आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और रेगुलर बेसिस पे या फिर हल्का फुल्का नॉर्मल आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हो तो आराम से डाल सकते हो। तो यही लिया है मैंने आज अक्षय तृतीया पे, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, तो फाइनली हो गया है, अभी रात का 8 बज रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है क्योंकि आज दोपहर को मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, नहीं तो मैं एवरी डे मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ जिसके कारण मुझे दोपहर में नींद आने लगता है, तो आज मैं नहीं सोई हूँ। बहुत ज़्यादा आँखों में मतलब आँख लग रहा है कब मेरा बंद हो जाएगा, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन टी बना के पीती हूँ ताकि आँखें मेरी खुले, और ग्रीन टी पीने के बाद मैं जल्दी से खाना वगैरह बनाऊँगी और सोने जाऊंगी। यहाँ पे है पानी और पानी गया, तो चलिए अभी मैं शाम की आरती कर लेती हूँ। शाम हो चुका है, अभी 7:30 हो रहा है, तो अभी मैं आरती करती हूँ। आरती करने के बाद खाना बनाने जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है क्योंकि आज दोपहर में मैं नहीं सोई हूँ ना, और यारी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। माही की ट्यूशन टीचर माही को पढ़ा के चली गई है और माही अपना कुछ जो टाइमिंग होता है उसका पढ़ने का वो कर रही है। तो माही के रूम का एसी जो है ख़राब है, इसलिए माही मम्मा के रूम में पढ़ाई कर रही है, उसके रूम का एसी ख़राब हो गया है। जहाँ एसी का 5-6 साल पूरा होता है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आने लगती है, मतलब 2-3 साल से लगातार मैं उसको हर साल ठीक करवाती हूँ, कुछ दिन चलता है ख़राब हो जाता है। तो चलिए, ग्रीन टी भी मेरा ख़त्म हो गया, अब मुझे गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। मतलब शाम को और सुबह में ग्रीन टी मुझे नहीं मिलता है ना, तो मुझे अजीब लगता है, मतलब एक आदत सी हो गई है मुझे ये पीने की। चलो अभी गर्म पानी ही पी के काम चलाती हूँ और उसके बाद चलती हूँ खाना वगैरह बना। सो फाइनली बन चुका है मेरा खाना, तो मैंने रोटी बना लिया है, इसमें दिन की सब्जी है और इसमें दिन की भुजिया बची हुई है, तो आज दिन में जो मैंने बनाया था वो बच चुका है। और यहाँ पे मैंने अभी जस्ट दाल तड़का बनाया है, चावल भी मैंने बना लिया है, तो चलिए आज का मेरा यही खाना रहेगा सिंपल सा। और हस्बैंड अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, तो मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। टाटा बाय, लव यू ऑल, बाय। नहीं ऐसे नहीं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। हैप्पी अक्षय तृतीया, आराम से गिरेगी, चोट लगाना, एंड ईद मुबारक। हाँ, एंड ईद मुबारक।